हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम बाइनांस एक्सचेंज की एप्लीकेशन को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें बिल्कुल इसी तरह से बाइनांस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर डेस्कटॉप पर, तो इसके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है कि आप बाइनांस एक्सचेंज की ऐप इंस्टॉल कर लें। तो आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर आपने बाइनांस सर्च करना है, तो इसके बाद बाइनांस.com इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आपने यहाँ से बाइनांस एक्सचेंज की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको विंडोज़ का ऑप्शन दिया गया है, आपने यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करना है और इसके बाद जो एप्लीकेशन होगी वो आपके ब्राउज़र में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 162 MB की फ़ाइल है वो जो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है। आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है और इसके बाद आपने बाइनांस ऐप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। आपने यहाँ से ओके करना है, इसके बाद इंस्टॉल करना है। सिंपल ऐसी इंस्टॉलेशन है जिस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। आपने इसे इंस्टॉल करना है। अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो इसके बाद यहाँ से आपने इसको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद हमारे कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि ये बाइनांस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर बाइनांस एक्सचेंज को लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र की निस्बत यहाँ पर आप बहुत आसान तरीके से इसकी ऐप पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बाइनांस एक्सचेंज की एप्लीकेशन को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी कंप्यूटर में बहुत आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।